हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पर। अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे मेरे साथ, कैसे हमने कुछ पढ़ाने का अलग ही तरीका था। कंप्यूटर के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा था, स्लाइड्स बना के, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के, पिक्स दिखा के। तो वो प्रोसेस तो चलता रहेगा और चल भी रहा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आपको पता होगा कि अभी मैंने एक NCERT का कोर्स चला रखा है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, सभी क्लासेस के लिए। आपको पता है NCERT लागू होने हो गई है, तो वो कोर्स चल रहा है। तो इसी दौरान एक नई शुरुआत आज हम करेंगे। नई शुरुआत क्या है, देखो आपको पता है मैं जनरली दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ फिलहाल, तो एक तो साइंस पढ़ा रहा हूँ एज वेल एज SST पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर SST हमें समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा बच्चों की शिकायत रहती है। और इसी शिकायत को दूर करने के लिए एक्चुअली मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, SST में दिक्कत ना आए, इसी पर्पज़ से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। इसका और कोई इकोनॉमिक पर्पज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताया यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है और सारे चैप्टर्स में आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, कुछ भी मतलब कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ यू नो वेरी वेल। और आज जो हम करेंगे शुरुआत वो सिविक से करेंगे, तो मैं ऐसे ही सिविक से कराऊंगा, और हो सकता है एक दो दिन में बेसिक मैथमेटिक्स भी कराऊं मैं आपको। मैथमेटिक्स आपने नहीं देखी होगी, वो भी मैं आप बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाला हूं। तो एक चीज़ आप ध्यान रख लो, SST में हमारी में कई सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है SST में हम सिविक्स पढ़ते हैं, SST में हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, SST में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, और जब आप क्लास 9th में आ जाओगे तो आप किसके बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ोगे। तो ये चार चीज़ें हम जनरली SST के बारे में SST में पढ़ते हैं क्लास 10 तक। क्लास 8 तक इकोनॉमिक्स नहीं होती है, जैसे ही हम क्लास 9th में आते हैं तो इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो SST समझ में क्यों नहीं आती है, उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। समझ में इसलिए नहीं आती है कि छोटी क्लासेस में हम ध्यान नहीं देते, या हो सकता है हमारे टीचर्स की कहीं कमी रही हो, वो सही से नहीं पढ़ाते हो, या फिर वो पढ़ाते हो तो हमने ध्यान नहीं दिया हो, कुछ भी कमी रह सकती है। तो छोटी क्लासेस में एक्चुअली क्या ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, आप भी इतने कॉन्शियस नहीं रहते, जब तक बोर्ड की क्लास में जब तक हम आ नहीं जाते तब तक हम पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। मगर ये जो सिविक्स का या जो भी मैं यहाँ पे बेसिक कोर्सेस स्टार्ट कराऊंगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मैं डेली एक एक लेक्चर अपलोड करूंगा आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक समझाऊंगा, और इससे क्या होगा आपके बेसिक्स मजबूत होंगे, और जब आपके बेसिक्स मजबूत होंगे तो आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली आप इन्जॉय करोगे इस चीज़ को, ठीक है। ये जो कोर्स है ये कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है कि क्लास 10th या क्लास 6th या क्लास 8th, ये जो कोर्स है सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है क्लास 10th तक ही वैलिड है, आप जब तक पढ़ोगे तब तक ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब क्लास 6th 7th 8th 9th के लिए काम आएगा, जब तक आप पढ़ोगे, हो सकता है फ्यूचर में आप गवर्नमेंट सर्विसेज की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, वहाँ भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जब आप गवर्नमेंट की तैयारी करोगे तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा काम आने वाली सब्जेक्ट एक ही रहेगी, SST। SST में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो कुछ लोग सोच रहे हो कि 10th के बाद हम SST से पीछा छुड़ा लेंगे, देन आई एम सॉरी, क्योंकि ये फिर आपके पीछे पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, आपको मतलब ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आज मैं स्टार्ट कराऊंगा सिविक से, मैंने बता ही दिया ये सबके लिए हेल्पफुल है, और आपके जो भी भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूँगा, आपके जो भी भाई बहनों कोई से भी क्लासेस में पढ़ें, आप उनको भी ये सारी चीज़ें बताएं, ताकि उनके जो बेसिक्स हैं वो मजबूत हो जाएं, और एक बार बेसिक्स मजबूत हो गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे सब्जेक्ट साइंस हो, चाहे SST हो, चाहे मैथ हो, हमारे बेसिक्स कमज़ोर होने की वजह से ही हमें चीज़ें दिक्कत आती है। सपोज़ एक मकान है, मकान की अगर नींव बेकार है, नींव अच्छी तरह से भरी नहीं, मकान बहुत बड़ा बन गया, बड़ा शानदार आलीशान मकान है, मगर उसकी नींव कमज़ोर है, तो मकान कभी भी गिर सकता है। तो आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो आपका मकान तो बनता जा रहा है, मगर अगर बेसिक्स कमज़ोर है ना तो फ्यूचर में गिर सकते हो, ज़्यादा सफलता होने की संभावना, ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। तो चलो अब इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं सिविक्स की, ठीक है। तो ध्यान रखना सिविक्स में आज जो मेन टॉपिक है हमारा रहेगा, हम शुरुआत करेंगे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरकार, क्या बोलते हैं सरकार, तो आपको सबको पता होगा सरकार क्या होती है। सरकार से पहले थोड़ा सिविक्स जान लेते हैं, सिविक्स का मतलब क्या है, ठीक है। सिविक्स इसको वैसे हिंदी में हम बोलते हैं नागरिक शास्त्र, हिंदी में क्या बोलते हैं नागरिक शास्त्र, ठीक है। सिविक्स को हम हिंदी में नागरिक शास्त्र बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो सिविक्स है इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ सिटीजन, या रिलेटिंग टू, ये जो सिविक्स होती है ये सिटीजन से संबंधित है। सिटीजन मतलब कौन होते हैं, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, क्या होता है
नागरिक, ठीक है। अब जैसे कोई भी देश होगा, अब आपकी आज की डेट में बहुत सारे देश ऐसे हैं, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, तो हर देश में उसके जो लोग होते हैं वो देश के क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिकों से जो संबंधित साइंस है या नागरिकों से संबंधित जो सब्जेक्ट है वही क्या है, सिविक्स है। इसलिए तो इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र, नागरिकों से संबंधित। अब नागरिकों के चाहे हम बात करें राइट्स की बात करें, चाहे हम उनके ड्यूटीज की बात करें, तो सिविक्स में हम किस क्या पढ़ते हैं, नागरिकों के राइट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी ड्यूटीज। ध्यान देना, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं का नागरिक होता है, ठीक है। तो नागरिक ध्यान रखना, सिटीजन को हम क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। और आप आधार कार्ड खोल के देखना, अपना आधार कार्ड देखना, उस पर लिखा रहता है भारत का नागरिक, आपका नाम रहेगा और भारत का नागरिक। नागरिक मतलब किसी भी कंट्री का जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। अब सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं सिविक्स में। तो ध्यान देना, जब हम सिविक्स पढ़ते हैं तो मेनली आपको दो तीन चीज़ें देखेंगे सिविक्स में। एक तो आपको दिखेगी गवर्नमेंट, क्या दिखेगी, गवर्नमेंट दिखेगी। दूसरा सिविक्स में आपको दिखेगा पीपल, बार बार हम लोगों की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे। और तीसरी लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़, इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करेंगे लोगों को। अब देखो, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फंडामेंटल राइट्स, मैं उनको भी कराऊंगा आने वाले समय में धीरे धीरे, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार जिनको बोलते हैं। 6 फंडामेंटल राइट हैं आज की डेट में, तो वो किसने दिए, संविधान ने किसके लिए दिए, नागरिकों के लिए, ठीक है। तो वो हर चीज़ पॉलिटिकल साइंस, यही चीज़ ध्यान रखना, 11th में जाके क्या बन जाती है, पॉलिटिकल साइंस बन जाती है। यही चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, जो सिविक्स में 10th तक पढ़ रहे हैं वही चीज़ें 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई बात सिविक्स की, कि सिविक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान देना हम जो गवर्नमेंट बनाते हैं, अभी गवर्नमेंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट किसके लिए जिम्मेदार होती है, लोगों के लिए जिम्मेदार होती है, या लोग किसके प्रति मतलब अपना मतलब श्रद्धा रखते हैं पूरी गवर्नमेंट के प्रति। और ध्यान रखना है यहाँ पर लोगों की मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों की ख्याल रखें, लोगों का टेक केयर करें, लोगों के आने वाली समस्याओं को दूर रखें। अगर कोई गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है इसका मतलब वो लोगों का विशेष ध्यान रखेगी, बेकार है तो लोगों का ध्यान नहीं रखती। हालांकि गवर्नमेंट कई प्रकार की होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये कई सारी टाइप्स की गवर्नमेंट हैं, वो हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती क्या है। अब देखो, गवर्नमेंट आपने कई सारी टाइप्स की गवर्नमेंट सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, एक बार मैं जस्ट उनको बता देता हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कौन कौन सी गवर्नमेंट होती हैं, एक बार देख लो आप, ये लिखते जाना साथ के साथ में, और ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज हमारा जो पर्पज है वो लिखने से ज़्यादा समझने वाला पर्पज है, ठीक है। आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, जो सरकार होती है भारत की, अगर बात करता हूँ मैं भारत की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, गवर्नमेंट के कई सारे लेवल हैं, लेवल जैसे 3 लेवल पर गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें तो आप भले ही नोट कर सकते हो। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी है आपकी लोकल गवर्नमेंट। आई होप ये आपने सब पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश की सरकार को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे भारत की सरकार है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। जैसे आज की डेट में अभी प्रेजेंट में पूरे देश की जो सरकार कौन सी है, बीजेपी चला रही है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी सरकार है। हम बोलते हैं ना कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अभी देश में बीजेपी की सरकार है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्यों की सरकार। अब आपको पता है भारत में आज की डेट में एज ऑफ नाउ 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है। जैसे राजस्थान में आपको पता है कांग्रेस की सरकार है, और यूपी में आपको पता है बीजेपी की सरकार है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, हर स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती हैं। सरकार कई जगह पे इंडिपेंडेंट मतलब मेजोरिटी में रहती हैं, कई जगह पे गठबंधन वाली रहती हैं, वो भी हम चीज़ें आगे देखेंगे। तो हर स्टेट की एक अपनी क्या होती है, सरकार होती है। केंद्र की सरकार अलग होती है, इसको केंद्र की सरकार भी बोलते हैं, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये लोकल मतलब अब स्टार्टिंग में लोकल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, मगर 1993 के बाद यहाँ पे एक एक्ट आया था,
ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे संविधान में 1992 में। तो 1992 में जब एक्ट आए थे तो उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है इंडिया में। लोकल मतलब स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर मतलब क्या है। अब देखो पूरे देश को कौन चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यों को कौन चलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई गांव शहर में थोड़ी आएंगे मुख्यमंत्री आपके। अब गांव में मान लो नाली में पानी, नाली चौक है, रोड खराब है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, लाइट नहीं आ रही, तो अब क्या तुम बार बार गांव से भाग के मुख्यमंत्री जी के पास जाओगे, योगी जी के पास जाओगे, या फिर अशोक गहलोत जी के पास जाओगे कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत भी होगी, डिस्टेंस बहुत दूर है। तो गांव की समस्या हो या फिर शहरों में छोटे छोटे शहर होते हैं, थोड़े बड़े शहर भी होते हैं। अब वो सारे शहर वाले हर बार जयपुर तो जाएंगे नहीं। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है और सीएम एज ऑफ नाउ अभी के लिए अशोक गहलोत हैं। अगर कोई दिक्कत है शहर की गाँव की तो हम हर बार वहाँ थोड़ी जाएंगे भाई। तो लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं, लोकल प्रॉब्लम जो हमको आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है, लोकल लेवल पर। तो लोकल लेवल पर दो प्रकार की गवर्नमेंट है। पहली है रूरल लेवल पर। कैसे लेवल पर, रूरल लेवल। अब रूरल का मतलब क्या है, ग्रामीण। मैं थोड़ी हिंदी भी बताते चलूँगा, ग्रामीण। अब ग्राम तो जानते होंगे आप सब लोग, गाँव से। तो जो गाँव की सरकार होती है और रूरल लेवल वाली हो गई, और जो शहरों में होती है उसको हम बोलते हैं अर्बन गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट, अर्बन लेवल पर हो गई, इसको हम अर्बन गवर्नमेंट ही बोल सकते हैं, अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक ओवरव्यू देखो, जो सरकार अपने इंडिया की बात कर रही है, टॉकिंग अबाउट इंडिया, भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में आप देखो तीन प्रकार की सरकार है, तीन लेवल पर पूरे देश की सरकार, जिसमें आप सुनोगे पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, आज की डेट में पीएम मोदी जी। आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट में देखने को मिल जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, बहुत सारे मंत्री संतरी इसमें होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक तो गवर्नर मिलता है, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। फिर एक मिलता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होता है। अब लोकल लेवल की बात करें तो गाँव में आपने देखा होगा, गाँव में सरपंच होते हैं। क्या होते हैं, सरपंच। सरपंच का हम चुनाव करते हैं, चुनाव करने के बाद वो गाँव के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश में सरपंच को प्रधान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रधान जी। राजस्थान में हम देखते हैं सरपंच साहब, और यूपी में बोलते हैं प्रधान जी। ठीक है, तो गांव का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान या सरपंच। अर्बन लेवल में भी आपने गवर्नमेंट देखी होंगी, ये भी दो तीन टाइप्स की हैं। अर्बन में जैसे कई सारे लेवल हैं इसके, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब डिपेंड करता है आपके शहर में क्या है। तो ये जो होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारी सरकारें कहाँ होती हैं, अर्बन लेवल पर होती हैं। ठीक है, ये हमने देखा भारत का स्ट्रक्चर, भारत में सरकार कौन कौन से लेवल पर कैसे कैसे है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तीन लेवल पर, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, सरकार भारत के, भारत में सरकार के तीन लेवल हैं। एक तो पूरे देश की सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। राज्यों की सरकार, आज की डेट में 28 राज्य हैं, कमेंट करके बताओ यूनियन टेरिटरीज कितनी है। ठीक है, और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट। अब राज्यों के अलावा छोटे स्तर पर अगर बात करें तो कौन सी हो गई, लोकल। लोकल में भी दो, गाँव वाली जो होती है रूरल गवर्नमेंट, और शहरों वाली जो होती है उसको बोलते हैं अर्बन गवर्नमेंट। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, पूरे देश की सरकार, स्टेट की सरकार और लोकल गवर्नमेंट। समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और लोकल में भी दो। तो यहाँ पे ये सर्वे सर्वा है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट में एक चीज़ बहुत प्यारी चीज़ है, यहाँ पे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। पावर क्या है, शेयर्ड है, जो मतलब शक्ति है, किस गवर्नमेंट के पास कितनी शक्ति होगी वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में समझा रखा है कि किसके पास क्या क्या पावर्स होंगे, हर चीज़ के बारे में बता रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है, ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ये हमारे भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, संविधान। तो संविधान के हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखो, हमें अभी देखा गवर्नमेंट के लेवल देखे। ठीक है, एक और है, मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा। अपने भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है, ध्यान देना क्या है, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट के और भी फॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्की, और तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। मेनली और भी है,
इसके अलावा पर मेनली ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, किसी देश में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, किसी में मोनार्की, किसी में डिक्टेटरशिप। अपने भारत में जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। इनको मैं एक एक करके समझाऊंगा एक सेपरेट लेक्चर में, आज ही सारी चीज़ हम नहीं समझेंगे, पर इतना समझ लो कि अपने भारत देश में जो गवर्नमेंट है दैट इज डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। यहाँ पे जो लोकतंत्र का मतलब है ऐसी सरकार जिसको लोगों के द्वारा बनाया जाए, लोगों के लिए ही बनाया जाए और लोग ही उसमें होते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो अब गवर्नमेंट के हम फंक्शंस देखते हैं कि सरकार के क्या क्या काम है, ठीक है। अगर सरकार को हमने समझ लिया, भाई देखो देश को जो चला रही है वो सरकार है, शहरों को जो चला रही है वो भी सरकार है, सिटीज को जो चला रही है वो भी सरकार है, गांवों में जो मतलब देख रेख कर रहे हैं वो भी सरकार है, तो सरकार का काम क्या है? कंट्री को चलाना। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट पूरे राज्य को चलाएगी, रूरल गवर्नमेंट गाँव की एरिया की देख रेख करेगी और अर्बन गवर्नमेंट शहर के एरिया की देख रेख करेगी। तो एक बार हम देखते हैं, चलो ये तो मेन फंक्शन हो गया रनिंग द कंट्री, देश को चलाना, देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और देश में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रोकना, कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं मेनली गवर्नमेंट के। पर एक एक करके लिस्ट आउट करते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अब मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या, देखो नंबर एक है रनिंग द कंट्री। रनिंग द कंट्री मतलब देश को चलाना, देश को चलाना आम बात नहीं है। अपने भारत देश की पॉपुलेशन आज की डेट में 130 करोड़ से भी आगे पहुंच चुकी है, मोर देन 130 करोड़। पूरे देश को चलाना, पूरे देश के लिए लॉ बनाना, पूरे देश को देख रेख करना, हर छोटी छोटी चीज़ों पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखना, इट्स अ रियली चैलेंजिंग टास्क। तो ये सबसे बड़ा काम है देश को चलाना। दूसरा है देश में मेंटेनिंग पीस, हमेशा मतलब ये इंश्योर करना कि देश में क्या रहे, शांति रहे, देश में कोई भी मतलब लफड़ा ना हो, कोई भी दंगा ना हो, कोई भी प्रसाद ना हो। आपने देखा हो कई बार मतलब देश में दंगे प्रसाद फैल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके कम्युनल राइट्स फैल जाते हैं, लड़ाई हो जाती है कहीं पर कुछ हो जाता है, झगड़े वगड़े होते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में शहर और देश की सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, आग लगा देते हैं लोग, मतलब व्हीकल्स को जलाते हैं, बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार अपने लेवल पर सारी स्टेप्स लेती है। पीस एंड सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। अब सिक्योरिटी में अब एक टॉपिक आता है, हम बाद में पढ़ेंगे कभी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी देश की रक्षा। तो देश की रक्षा दो प्रकार से इसको बता सकते हैं, एक है इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। तो सरकार दोनों प्रकार की सिक्योरिटी देखती है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है देश की बाउंड्री के भीतर की जो सिक्योरिटी है उसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको पता है पुलिस होती है, हर राज्य में अपने स्टेट की क्या होती है, पुलिस होती है। पुलिस का जिम्मेदारी है कि मतलब देश के भीतर, स्टेट के भीतर जो भी समस्या आ रही है उनको टेक केयर करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अपने कंट्री का जो बॉर्डर है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती हैं, दुश्मन से बचा कर रखती हैं देश को। तो देश की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है भाई। पीस रखना ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। इंटरनल इश्यूज का मतलब है कोई भी समस्याएं आ रही हैं, इश्यूज को क्या करना, कंट्रोल करना, चाहे वो इंटरनल इश्यू हो देश के अंदर हो या देश के बाहर, कई देश दो देशों के बीच में विवाद हो जाता है, उस चीज़ को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जितने भी मैटर हो रहे हैं, जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, सबको कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरे देशों के साथ गुड रिलेशन बना के रखना। अब भाई देखो आज की डेट में हम जी रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जी रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी विश्व आज के डेट में कनेक्टेड है, पूरा विश्व एक गांव की तरह है। आज हमारे घर में देखो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग कंट्री की मिल जाएंगी, मार्केट में देखो कोई मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन यूएसए, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें मिल रही हैं। तो दो देशों के बीच में क्या बना के रखना, अच्छे रिलेशन बना के रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम किसी दूसरे देश की हेल्प करते हैं, कई बार वो हमारी हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ी काम है इसका। एक है पब्लिक वेलफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। कल्याण का मतलब क्या है? पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गरीब लोग होते हैं,
बेसहारा लोग होते हैं या लोगों को मतलब बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है। जैसे मैं आज की डेट में बात करूं, अभी एट प्रेजेंट में एक समस्या चल रही है देश में हमारे में, आई होप सब जानते हैं, नॉट ओनली इन अवर कंट्री, पूरा विश्व इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, कोविड-19 डिजीज़। इस वजह से सारे लोगों को समस्या आ रही है। तो देखो आज की डेट में सरकार क्या कर रही है, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, सरकार मतलब लोगों को अनाज दे रही है, सरकार फ्री में कह रहा हूँ, सरकार लोगों का फ्री में इलाज कर रही है। अब देखो सरकार बहुत सारे फ्री में इलाज कर रही है, लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही बताऊँ। तो ये सारे सरकार के जो काम है, लोगों की हेल्प करना फ्री में, लोगों का कल्याण करना, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, ठीक है, लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उनको बीमारी को मतलब उसका इलाज करना, तो ये सारे काम क्या हो गए, कल्याण के काम हो गए। तो पब्लिक वेलफेयर करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की, और सरकार इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती है, ठीक है, लोगों के अकाउंट में आजकल पैसे भी ट्रांसफ़र कर रही है, जिनके जॉब नहीं है आज की डेट में, जॉब लेस है उनको पैसा दे रही है, महिलाओं को पैसा दे रही है, अभी रिसेंटली 2-3 महीने के लिए गैस को भी फ्री कर दिया गया है, फ्री में गैस मिलेगी जिनका उज्ज्वला अकाउंट है, उज्ज्वला स्कीम चलाई थी सरकार ने। तो सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है जिससे लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है इमरजेंसी, कोई सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। आज के डेट में पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसको देख रेख कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। सोचो अगर सरकार ना होती तो इसको कैसे डील करते, अपने लेवल पर अफरा तफरी हो जाती, होती कि नहीं होती। हर शहर में हर गाँव में आज की डेट में देखो पुलिस घूम रही है, तो पुलिस किसका पार्ट है, सरकार का पार्ट है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सरकार के काम हो गए, ये फंक्शन है सरकार के। वैसे सरकार का एक काम और होता है, सरकार का लॉ बनाना, क्या बनाना, लॉ एंड रूल्स, ये बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इनको लागू करवाना, कानूनों को लागू करवाना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सारे फंक्शंस किसके हो गए, सरकार के हो गए, ठीक है। तो आज बस इतना ही हम देखेंगे, तो आज हमने देखा कि सरकार क्या है, ठीक है, तो सरकार के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स की सरकार है, हालांकि हम एक एक करके हम उनको आगे समझेंगे और इनको भी मैं समझाऊंगा, डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और कह सकते हो जो पब्लिक होती है, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी किसका है, सरकार का काम है पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये मेनली सरकार के काम है। और हम कह सकते हैं इकोनॉमी, ये को ले सकते हैं, देश की इकोनॉमी का ध्यान रखना, इकोनॉमी समझते ही आप, इकोनॉमी का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें आ गई, गरीबी को मिटाना और बेरोजगारी को मिटाना, बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, गरीबी को कम करना, तो इसके लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें करती रहती है, देश का विकास करना, विकास के लिए नई नई योजनाएँ बनाना। तो सरकार के हम देख सकते हैं बहुत सारे काम हैं। अब हम डिस्कस करना चाहें तो खूब 1 घंटा 2 घंटा कितना भी डिस्कस कर लो, मगर ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि मेन क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, डेली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी इसको देखना है, और जो जो आपकी मतलब कनेक्शन में है, जितने भी लोग कनेक्शन में, इन बेसिक चीज़ों को बताएं, देखना आपके बेसिक्स अगर मजबूत होंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने व्यू बताएं कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी चीज़ बताएं, क्योंकि ये अब हम पहली बार कर रहे हैं ऐसा, पहले कभी ऐसा पढ़ाया नहीं, ठीक है। अभी तक तो आपने मतलब आवाज़ ही आवाज़ सुनी थी, अब लाइव आप देखोगे सारी चीज़ों को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। जय हिंद, जय भारत।